दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के लाइव फीड में घर के अंदर चल रहा टिकट टू फिनाले टास्क का तीसरा राउंड भी पूरा हो चुका है और तीसरे राउंड के दौरान बिग बॉस ने प्रतीक और समिता का नाम लिया था, जबकि दोस्तों संचालक के रूप में बिग बॉस ने निशांत भट्ट को चुना था। इस दौरान दोस्तों सबसे दिलचस्प बात तो ये रही कि टास्क शुरू होने से पहले ही प्रतीक सेजपाल ने इसको खत्म कर दिया। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं था कि बिग बॉस ने जैसे ही बजर बजाया तो प्रतीक और समिता अपने अपने बेसिन को लेकर ट्रैक पर खड़े हो गए थे, यानी कि अपने अपने जो पानी से भरे हुए जार को लेकर वो ट्रैक पर चलने की शुरुआत ही कर रहे थे। लेकिन इससे पहले ही प्रतीक सेजपाल ने समिता शेट्टी के हाथ में पकड़े हुए जार का पानी पूरा का पूरा गिरा दिया। लेकिन पूरा पानी गिरा नहीं तो प्रतीक सेजपाल ने जोरदार धक्का मारा, जिससे कि समिता शेट्टी अपने जार के साथ ही जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि दोस्तों इतने में ही निशांत भट्ट ने दावा कर दिया कि प्रतीक सेजपाल जीत चुके हैं, क्योंकि टास्क तो शुरू हो चुका है और टास्क शुरू होने से पहले ही प्रतीक ने बड़ी ही चालाकी से इसे खत्म कर दिया। वहीं दोस्तों इसके बाद में प्रतीक सेजपाल ने समिता शेट्टी से अपनी गलती के लिए माफ़ी भी मांग ली, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से प्रतीक ने खींचा था कहीं ना कहीं वो थोड़ा तरीका गलत था। लेकिन दोस्तों प्रतीक सेजपाल ने दिमाग काफ़ी अच्छा लगाया और बिना कुछ मेहनत किए ही इस टास्क को जीत लिया। खैर दोस्तों इस टास्क के आज के तीन राउंड तो पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि पहले राउंड में नेहा बसीन विजेता रही, दूसरे राउंड में राकेश बापट विजेता रहे, जबकि दोस्तों तीसरे राउंड में प्रतीक सेजपाल जीत चुके हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि इन सब के अलावा दिव्या अग्रवाल भी जनता की वोटिंग की बदौलत इस टास्क को जीत चुकी है, जिसके बाद ये चारों ही कंटेस्टेंट सेमीफाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं, यानी कि अब कल इनके बीच में सेमीफाइनल और फाइनल वाले राउंड होंगे, जो कि देखना वाकई काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल दोस्तों प्रतीक सेजपाल का यह आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।